अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपसे रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है मुर्ग मसाला। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करिएगा, इससे मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुँच सकेगी। जो है ना, ट्राई भी करके देखिएगा। तो अब चलती हूँ मैं रेसिपी की तरफ। आधा किलो हमने चिकन ले लिया है, 2 चमचे अदरक लहसुन का पेस्ट है, 1.5 चमचा पिसी हुई और कश्मीरी मिर्चें हमने साथ मिक्स करके ले लिए, 1/2 चमचा हल्दी है, नमक है हसबे ज़रूरत, 1 चमचा काली मिर्चें, 1 चमचा पिसा हुआ भुना हुआ जीरा, 1/2 पाव दही, 1 लीमू का जूस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, नमक डाल देंगे हसबे ज़रूरत, हल्दी पाउडर, पीसी हुई मिर्चें, काली मिर्चें, जीरा भुना हुआ और कुटा हुआ, नींबू का जूस और इसमें दही शामिल कर देंगे। और अब इन सब चीज़ों को अच्छे से कर लेंगे मिक्स। अब हम इसको 1 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। 2 अदद बड़े साइज़ की मैंने प्याज ले ली, इसको मैंने काट लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने पतीली ले ली, उसमें हम 2 चमचे ऑयल डाल देंगे। ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें प्याज फ्राई कर लेंगे। प्याज हमारी फ्राई हो चुकी है, अब हम इसको निकाल लेंगे। ये 2 मैंने कश्मीरी मिर्चें ले ली हैं, जीरा है 1 टीस्पून जीरा, अभी 1 चमच साबुत धनिया, 2 दालचीनी की स्टिक ले ली हैं और ये मैंने हरी इलायची ले ली है और ये 4 मैंने लौंगे ले लिए। अब इन सब चीज़ों को मैं फ्राई पैन में भून लूँगी, भून के मैं इसको मिक्सी में पीस लूँगी। मसाला मैंने मिक्सी में पीस लिया है, प्याज को थोड़ा मैंने हाथ से मसल लिया था और मिक्सी में पीस लिया था, और ये बादाम है 10 अदद और ये थोड़े से काजू हैं, मैं इसको मिक्सी में पीस लूँगी। चिकन रखे हुए हमें 1 घंटा हो चुका है, अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। अब हमने तवा ले लिया, इस पर हम 2 चमचे ऑयल डाल देंगे और चिकन की बूटियाँ हम इस पर इसको हमें गलाना नहीं है, इसको हमें फ्राई करना है ताकि इसका अच्छे से खूबसूरत सा कलर आ जाए। और इसका जो ये मसाला बचा है ये हम ग्रेवी में यूज़ कर लेंगे। देखिए थोड़ा सा कलर चेंज हो गया इसका, अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। अब ये हमारे अच्छे से पक चुका है, देखें अच्छा सा कलर आ गया है इसका। अब हम इसको उतार देंगे और अब हम ग्रेवी बनाना स्टार्ट कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने एक कढ़ाई ले लिए, वो मैंने जिसमें प्याज फ्राई करी थी वही तेल ले लिया है मैंने, और इसमें मैं 1 चमचा घी का डाल दूँगी।
आधा चम्मच हमें अदरक लहसुन डाल दिया और इसको अच्छे से मिक्स करके भून लेंगे। मैंने जो प्याज पीस ली थी तो वो भी डाल दूंगी मैं इसमें। मैंने जो मिक्सी में मसाला पीस लिया था वो भी मैं डाल दूंगी इसमें। थोड़ा सा पानी डाल दूंगी ताकि मसाला लगे ना, तो ये अच्छे से मेरा मसाला भून जाए। इसको 1.5 से 2 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे मसाले को। ये जो मैरिनेट का मसाला बचा है ये भी मैं इसमें मिक्स कर दूंगी, इसको भी कर लूंगी अच्छे से मिक्स। और मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूंगी और इसको मैं अच्छे से 2 से 3 मिनट तक भून लूंगी मसाले को। इसमें दही डाल दूंगी, मैंने 1 पाव दही लिया था, आधा मैंने मुर्गी में डाल दिया था और आधा मैंने मसाले में डाल दिया। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी दही को। मैंने जो चिकन फ्राई करी थी वो भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी और मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी चिकन को। इसको चला चला के अच्छे से मिक्स कर लेना। मैंने ये 2 चमचे मसाला पीस लिया था काजू और बादाम का, वो भी इसमें डाल दूंगी। वो भी अच्छे से इसमें मिक्स कर दूंगी। बहुत ही मज़ेदार बनता है ये, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में ये चिकन तैयार होती है, आप भी ट्राई करिएगा। अब मैंने इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया है और इसको मैं 5 मिनट के लिए ढक के रख दूंगी ताकि ये अच्छे से गल जाए मुर्गी। चूल्हा कर दिया है मैंने ऑफ और मैं ऊपर से थोड़ा सा गरम मसाला डाल दूंगी और गार्निश के लिए हरा धनिया, ज़्यादा नहीं डालूंगी थोड़ा सा ही डालूंगी। और अब मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ। मुर्ग मसाले की रेसिपी मेरी तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, नए तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा, इससे मेरी हर आने वाली वीडियो आपको पहले मिल सकेगी। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मैं मिलती हूँ इंशाल्लाह ताला आपसे नई रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।